नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेलकम, जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास 4GB रैम है और 512MB ग्राफिक कार्ड है और एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर है। तो अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप पे कुछ अच्छे ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं जिनके ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी हाई हो, तो बल्कि ये वीडियो खासकर आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो पे आपके लिए कुछ ऐसे 10 गेम लेके आया हूँ जो कि आपके 4GB रैम और 512MB ग्राफिक कार्ड में आराम से चल जाएंगे। वेल गाइस, अगर आप कोई भी आपको गेम अगर इंस्टॉल करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों कि आपके प्यारे दोस्त ने या आपने स्क्रॉल करते करते इस वीडियो को देख ही लिया है तो भाई एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन। एंड दोस्तों, एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन एक आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। एंड दोस्तों, इस गेम को डेवलप किया गया रेवन स्टूडियो के द्वारा एंड इस गेम को पब्लिश किया गया एक्टिविजन इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड बेसिकली दोस्तों, ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 2, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स 360 एंड अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीका से खेल सकते हो। गेम को रिलीज किया गया था 1 मई 2009 को। मोड की बात करें तो भैया, गेम में आपको सिंगल प्लेयर का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। स्टोरी लाइन की बात करें, स्टार्ट होता है एक कालकोटरी में, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एंड उसके भाई को वहाँ पर कैद करके रखा जाता है। सर्गे स्ट्राइकर, जो हमारा गेम का मेन विलन रहता है, स्ट्राइकर उनसे पूछता है कि भैया ऐसा तुम लोगों में क्या है कि भाई गोली तुमसे छू के निकल जाती है। तो वेल गाइस, वुल्वरीन बोलता है कि हमारे पास ऐसे कुछ नेचुरल पावर्स हैं एंड हम अपने आप को रीहील बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, हमें बुलेट से कुछ भी नहीं होता। तो स्ट्राइकर दोस्तों वुल्वरीन एंड उसके भाई से बोलता है कि तुम लोग अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाओ, मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें इस कालकोटरी से बाहर निकाल दूंगा। फाइनली वो दोनों एग्री करते हैं विलियम स्ट्राइकर की बात से कि भैया अपने को इस कालकोटरी में अपना जो भी जिंदगी नहीं निभाना है, तो उसके साथ वो हाथ मिला लेते हैं। बेसिकली वो स्ट्राइकर के टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। विलियम स्ट्राइकर का जो टीम का नाम रहता है, उस टीम का नाम रहता है टीम एक्स। में काफी सारे और भी लोग शामिल रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वुल्वरीन, उसे प्लेन में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं रहता है, उसे प्लेन में बैठ के कुछ हेजिटेशन होती है। अब प्लेन पहुंच जाता है नाइजीरिया के लेकोस शहर में। ये लोग एक डायमंड मर्चेंट को लूटने के लिए जाते हैं। डायमंड मर्चेंट बोलता है कि भैया आपको जो कुछ भी लेना है आप मेरे से ले लो, बट मेरे को छोड़ दो। बट यहाँ पर कहता है हमें तुम्हारे हीरो में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें चाहिए एडमेंटियम, पत्थर कहाँ से है। तब डायमंड मर्चेंट बोलता है कि यहीं पास के गांव के कुछ लोगों ने हमें ये पत्थर दिया है। कि गांव वालों से पूछता है कि भाई ये एडमेंटियम कहाँ मिलेगा, तो गांव वाले बोलते हैं कि भैया ये तो हमें आसमान से मिला है तो और कहाँ मिलेगा। तो गांव वाले बोलते हैं हमें नहीं पता। तो इसमें क्या होता है कि विलियम स्ट्राइकर अपने लोगों से कहता है कि इन गांव वालों को मार दो। तो वुल्वरीन इसके सख्त खिलाफ रहता है एंड वुल्वरीन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। तो इससे क्या करता, अब यहाँ पर क्या होता है कि वुल्वरीन टीम एक्स को यहाँ से लीव कर देता है। अब स्टोरी होती है दोस्तों 6 साल के बाद दिखाया जाता है कि वुल्वरीन जो रहता है वो एक पेड़ काटने का कुछ मतलब जॉब करते रहता है एंड वो मतलब अपना फैमिली को अच्छा से मतलब वो मैरिज कर चुका है टीम को ज्वाइन कर। तो वुल्वरीन यहाँ पर साफ मना कर देता है कि भैया हमको तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब विलियम स्ट्राइकर क्या करता है कि उसके वहाँ पर वाइफ को उसे वो मार देता है। तो वुल्वरीन को लगता है कि विलियम स्ट्राइकर ही मेरी वाइफ को मारा है। तो यहाँ पर वुल्वरीन विलियम स्ट्राइकर के पास जाता है और बोलता है कि क्यों तुमने मेरी वाइफ को मारा। तो यहाँ पर विलियम स्ट्राइकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा, डेविड ने तुम्हारी वाइफ को मारा है। तो यहाँ पर विलियम स्ट्राइकर वुल्वरीन से ये कहता है कि मैं तुम्हें डेविड का पता बताऊंगा। लेकर जिस पत्थर के लिए अफ्रीका गया था, वो पत्थर उसको भरपूर मात्रा में मिल चुका था, जिसका नाम एडमेंटियम था। तो बेसिकली स्ट्राइकर एडमेंटियम को वुल्वरी के अंदर इंसर्ट करता है एंड वुल्वरीन को काफ़ी पावरफुल बना देता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वुल्वरीन के बॉडी पे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, स्ट्राइकर को लगता है कि भैया हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है। बट यहाँ पर वुल्वरीन के अंदर वो जो पत्थर का जो जितना भी एनर्जी रहता है वो इंसर्ट हो जाता है एंड यहाँ पर मेन स्टोरी दोस्तों स्टार्ट होता है। अभी कैद रहता है, उससे अपने आप को आज़ाद करता है एंड वहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पर जो एजेंट जीरो रहता है वो वुल्वरीन को यहाँ पर मतलब खोज के वहाँ पर वुल्वरीन को मारने के लिए सोचता है। बट वुल्वरीन के पास काफ़ी सारे ऐसे पावर्स आ चुके थे। तो यहाँ पर अब युद्ध होता है विलियम स्ट्राइकर के आर्मी से एंड वुल्वरीन से। तो बेसिकली धीरे धीरे क्या करता है कि विलियम स्ट्राइकर के जितने भी बेस रहते हैं उसे वुल्वरीन डिस्ट्रॉय करते रहता है एंड स्टोरी स्टार्ट होता है। एंड बेसिकली दोस्तों इस गेम का जो यार स्टोरी लाइन है वो काफ़ी अमेजिंग है। बेसिकली इस गेम को आप बोल सकते हैं कि एक स्टोरी लाइन मिशन कंप्लीट गेम है। एंड साथ ही साथ दोस्तों गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ऑसम है, आपको ज़रूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड इस गेम को
सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी काफी कम है। 4GB वाले पीसी लैपटॉप गेम आराम से मक्खन जैसा चलेगा। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई भी नीड नहीं है। स्पेस की बात करें तो भैया 6GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को स्टॉल करने के लिए। और प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम में आराम से गेम चल जाएगा। और अगर आप इस गेम को स्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। कि जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2012। एंड दोस्तों नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2012 का एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम है। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग वीडियो गेम खेलना चाहते हैं तो भैया ये आपके लिए काफी ऑसम गेम होने वाला है। इस गेम को पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा एंड इस गेम को डेवलप किया गया क्राइटेरियन गेम के द्वारा एंड भी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से उपलब्ध है। आप इसे PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 एंड अपने Windows प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीका से खेल सकते हो। एंड इस गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। गेम की बात करें तो भैया गेम में आपको यहाँ पर मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। यहाँ पर आपको रेस करना पड़ता है। एनवायरमेंट देखने को मिलता है वो ओपन वर्ल्ड देखने को मिलता है। जहाँ पर आप रेसिंग करोगे वहाँ पर आपको अलग अलग सिटी यहाँ पर आप एक्सप्लोर करोगे, अलग अलग कंट्री के सिटी में यहाँ पर आपका रेसिंग होगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम में आपको। एंड बेसिकली इस गेम की मैप की बात करें तो भैया मैप काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आफ्टर रेसिंग आप सिटी में इधर उधर भटक फिटक सकते हो, सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी है। एंड इस गेम में जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 5GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है GTA 4। GTA 4 एक आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया रॉकस्टार नॉर्थन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध हो जाता है। PlayStation 3, Xbox 360 एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से खेल सकते हो। मोड की बात करें तो भैया यहां पर आपको सिंगल प्लेयर भी देखने को मिल जाता है, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। एंड गेम की बात करें तो भैया स्टोरी लाइन मिशन गेम है। यहां पर आपको काफी ओपी स्टोरी लाइन देखने को मिलता है। यहां पर आपको मैप देखने को मिल जाता है। टोटली ओपन वर्ल्ड गेम है दोस्तों। यहां पर आप हर एक वो चीज कर सकते हैं जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड में कर सकते हैं। कार चला सकते हो, मुक्का मुक्की कर सकते हो। एंड इस गेम का मेरे को सबसे अच्छा चांस लगता है कि यहां पर आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशन देखने को मिल जाते हैं। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया काफी ओपी यहां पर आपको ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। एंड गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर मैं रिवील कर देना चाहता हूं। रैम की बात करें तो भैया मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम काफी आसानी तरीके से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 10GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है जस्ट कॉज 3। एंड जस्ट कॉज 3 एक आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। एंड बिल्कुल इस गेम को डेवलप किया गया था एवलांच स्टूडियो के द्वारा एंड इस गेम को पब्लिश किया गया स्क्वायर यूनिक्स के द्वारा। बेसिकली गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। आप इसे प्लेस्टेशन 4, Xbox 1 एंड आपके PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से खेल सकती हो। गेम की रिलीज डेट की बात करें तो भैया गेम 1 दिसंबर 2015 को रिलीज किया गया था। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर है। एंड गेम की स्टोरी लाइन की बात करें तो भैया गेम स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है रिको से, जो कि अपनी फ्रेंड मारियो की हेल्प करने मेडिसी पे जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर एक डीरावेलो नाम का एक जनरल लीडर रहता है जो कि मेडिसी में किसी को कैप्चर करके रखता है। यार मतलब वहां पर तबाही वाही करते रहता है, मतलब काफी बुरा आदमी डीरावेलो रहता है। रिबल्स जो कि एक संगठन और रिको मिलके वेलो को मेडिसी से निकालना चाहते हैं। मदद कर डीमा से मिलता है। डीमा एक साइंटिस्ट रहती है और रिबल्स की हेड ऑफिसर रहती है। मारियो बोलता है कि कैसे हम डीरावेलो से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर रिको बोलता है कि हमें अपना एक फौज बनाना पड़ेगा और यहाँ के लोगों को बताना पड़ेगा कि आप डीरावेलो से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। रिको अपना एक आर्मी बनाता है। ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप हर एक चीज कर सकते हैं जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हैं। एंड इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी का क्या कहना, काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इस गेम का मैप वो काफी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। एंड वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है। रैम की बात करें तो भैया 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 1GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस
स्पेस की बात करें तो भैया मिनिमम 20 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को प्ले करने के लिए। अगर अभी इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते तो लिंक है भैया डिस्क्रिप्शन में, क्यों वेट कर रहे हो, जाकर इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। मतलब फिफ्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है बैटलफील्ड 3। एंड दोस्तों बैटलफील्ड 3 एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया डाइस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 3, एक्सबॉक्स 360, इनफैक्ट अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। इस डेट की बात करें तो भैया गेम रिलीज हुआ था 28 अक्टूबर 2011 को। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो। गेम की स्टोरी लाइन की बात करें, एक मिलिट्री सोल्जर का रोल प्ले करता है जो कि US मिलिट्री से बिलोंग करता है एंड उसका जो पहला मिशन रहता है वो ईरान पे रहता है एंड एनिमी के बेस को डिस्ट्रॉय करने रहता है एंड वहाँ से एनिमी को वहाँ से आपको हटाना पड़ता है। तो बेसिकली ये गेम काफ़ी ओपी है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिलने वाला है, अमेजिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिलने वाला है एंड काफ़ी ओपी इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी है। एंड इस गेम में बेसिकली आप अलग अलग सिटी के कंट्री में आप ट्रैवल करोगे एंड वहाँ पर आप जाके एनिमी के बेस को वहाँ पर आप डिस्ट्रॉय करोगे जो भी आपको मिशंस दिए जाएंगे। एंड बेसिकली इसी के ऊपर गेम डेवलप है दोस्तों एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। तो बल्कि इस रैम की बात करें तो भैया मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करते हैं 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। इसकी बात करें तो भैया 20 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। कि जो बस सिक्स्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डाइंग लाइट। एंड दोस्तों डाइंग लाइट एक आपका एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल हॉरर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है टेक लैंड्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया वार्नर ब्रॉस के द्वारा। ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है, आप इसे प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स, अपने मैक ओएस, इनफैक्ट अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से खेल सकते हो। इस गेम को रिलीज़ किया गया 27 जनवरी 2015 को। गेम पुराना है बट अभी भी काफ़ी बंदे इस गेम को खेलते हैं। कि मोड की बात करें तो भैया गेम यहाँ पर आपको सिंगल प्लेयर भी मिलता है, मल्टीप्लेयर भी मिलता है। एंड गेम की बात करें तो भैया डाइंग लाइट की स्टोरी स्टार्ट होती है हरान के एक सिटी पे जहाँ पर ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन जो रहती है वो एक वायरस के थ्रू इन्फेक्ट हो जाती है एंड वो वायरस के इन्फेक्ट होने के बाद वो एक जॉम्बी क्रिएचर में तब्दील हो जाती है। अगर किसी ह्यूमंस को काटते तो भाई वो भी म्यूटेट होकर जॉम्बी बन जाते हैं। हरान के डिफेंस मिनिस्ट्री रहते हैं, वो हरान को पूरा क्वारंटीन डिक्लेयर कर देते कि भैया आप सभी पूरा क्वारंटीन हो जाओ। जो हमारा मेन विलन रहता है और एक टेररिस्ट रहता है कदीर सुलेमान, वो क्या करता है कि गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को वो वहाँ से चुरा लेता है और गवर्नमेंट को ये डर रहता है कि भैया वो फाइल अगर पब्लिकली हो गई तो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा एंड अपना रेपुटेशन की ऐसी की तैसी होगी। क्या डिसाइड करती है गवर्नमेंट, एक अंडरकवर कॉप को हायर करती है जिसका नाम काइल क्रेन रहता है। मिशन दिया जाता है कि भाई आप कदीर सुलेमान को आप पकड़ो और वो जितने भी फाइल्स हैं उन्हें वापस लेके आओ। तो यहाँ से आपका जो मेन स्टोरी दोस्तों स्टार्ट होता है। एंड एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड प्लस हॉरर गेम खेलना चाहते हो तो भाई डाइंग लाइट सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। इस गेम का ग्राफिक क्वालिटी काफी ओपी है एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूं। रैम की बात करें तो भैया 4 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल i3 में गेम आराम से चल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो मात्र 35 GB के आसपास स्पेस खाली लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल गाइस बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ गेम के ऊपर। तो मतलब सेवेंथ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है क्राइसिस 2। एंड दोस्तों क्राइसिस 2 आपका एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप क्रिटिक के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। रिलीज किया गया था 25 मार्च 2011 को एंड ये गेम ऑलमोस्ट आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है, आप इसे एक्सबॉक्स 360, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1, इनफैक्ट अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। मोड की बात करें दोस्तों यहां पर आपको सिंगल प्लेयर भी देखने को मिल जाता है, मल्टीप्लेयर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गेम की बात करें तो भैया गेम आपका स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में जहां पर एक वायरस इन्फेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहां पर आपको एक टास्क दिया जाता है एंड यहां पर आपको उस वायरस को न्यूयॉर्क सिटी से आपको हटाना पड़ता है। टोटल न्यूयॉर्क सिटी को पूरा एक्सप्लोर कर
सकते हो, यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। साथ साथ गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भाई काफी ओपी यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो बल्कि इस गेम की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया सिर्फ मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर पे गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 9 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इस गेम को इंस्टॉल करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल्कि इस बढ़ते हमारे 8 गेम के ऊपर, जो हमारा 8 गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3। एंड दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 एक्शन एडवेंचर फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप किया गया इन्फिनिटी वॉट के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे Xbox 360, PlayStation 3, इनफैक्ट अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से खेल सकते हो। एंड इस गेम के मोड की बात करें तो भैया सिंगल प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है। गेम को रिलीज किया गया 11th नवंबर 2011 को। एंड गेम की बात करें तो भैया यहाँ पर आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो। बेसिकली एक मिलिट्री बेस गेम है दोस्तों। यहाँ पर अपने एनिमीज को आपको डिस्ट्रॉय करना रहता है, उनके बेस को कैप्चर करना रहता है। एंड यहाँ पर आपको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। एंड इस गेम का जो मैप है दोस्तों वो काफी बड़ा है, मतलब आप अलग अलग कंट्री के अलग अलग सिटी में यहाँ पर आप ट्रैवल करते हो। तो काफी अमेजिंग गेम है दोस्तों। एक्शन एडवेंचर शूटिंग गेम में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो भाई ये गेम आपके लिए काफी खास होने वाला है। एंड इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी है, जरूर से इस गेम को आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मैंने 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 12 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। वेल गाइस जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बैटमैन आर्कम नाइट। बैटमैन आर्कम नाइट एक आपका एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। एंड इस गेम को डेवलप किया गया था रॉकस्टेडी स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया वार्नर ब्रॉस के द्वारा। ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 4, Xbox One एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 23rd जून 2015 को। मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर आता है। एंड गेम की बात करें तो भैया गेम का क्या कहना है, यहाँ पर आप जो हमारा मेन कैरेक्टर बैटमैन रहता है, गौतम सिटी में आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ उंगली करते रहता है या कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा होता रहता है, तो बैटमैन गौतम सिटी को प्रोटेक्ट करता है। बैटमैन के जो दुश्मन रहते हैं वो गौतम सिटी में कुछ ऐसा वायरस इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से गौतम सिटी के आधे से ज्यादा लोग तो भाई गौतम सिटी को छोड़ के चले जाते हैं। एंड बच जाते हैं तो बस बैटमैन एंड उसके दुश्मन। तो अब बेसिकली बैटमैन को क्या करना पड़ता है कि भाई उन सभी जो भी वायरस है, एक्चुअली यही स्टोरी लाइन है दोस्तों। एंड यहां से जो है आपका गेम स्टार्ट होता है। एंड बेसिकली यहां पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड सिटी का आपको यहां पर एक्सपीरियंस देखने वाला। यहां पर आप ड्राइविंग कर सकते हो, कार चला सकते हो, अपने दुश्मनों को मुक्का मुक्की मार सकते हो, मतलब काफी अमीर यहां पर आप हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो। गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर रिवील कर देना चाहता हूं। की बात करें तो भैया मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो हमने 1 GB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 के प्रोसेसर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 1 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। एंड दोस्तों द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक आपका ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया नॉक्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, इनफैक्ट अपने iOS एंड Android अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से खेल सकते हो। गेम की रिलीज डेट की बात करें तो भैया गेम को रिलीज किया गया था May 2, 2014 को। और आप मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर आता है। एंड गेम की बात करें तो गेम काफी इंटरेस्टिंग गेम है। यहाँ पर आपको जो सिटी मिलता है वो पूरा ओपन वर्ल्ड मिलता है एंड यहाँ पर आप पूरा सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। इस गेम का मैप काफी बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो आपका मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम पीटर पार्कर रहता है वो बेसिकली अपने सिटी को प्रोटेक्ट करता है। स्पाइडरमैन के दुश्मन रहते हैं उससे वो सिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मिशंस दिए जाते हैं। इस गेम का मिशंस मेरे को काफी पसंद आता है दोस्तों। अगर आप एक अच्छा स्टोरी लाइन मिशन गेम खेलना चाहते हैं तो भाई ये गेम आपके लिए काफी अमेजिंग होने वाला है। इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी है, आपको जरूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 3 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात
बात करें तो मिनिमम 512 एमबी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 7 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो बिल्कुल यही कुछ 10 गेम थे आपके 4 GB रैम में आराम से खेल सकते बिना किसी इशू के। आई होप दोस्तों कि ये गेम्स आपको पसंद आए होंगे एंड आई होप दोस्तों कि ये गेम्स आपको पसंद आए। जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आप कौन सा गेम खेलने वाले या आप कौन सा गेम खेल चुके हो। फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना कि भाई देखो यार इन सभी गेम्स को अपने आप 4 GB रैम और 512 MB ग्राफिक कार्ड्स में खेल सकते हो। साथ साथ ये इनमें से काफी सारे गेम्स आपको ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करो जो इस तरह का गेम खेलना चाहते हैं अपने 4 GB रैम में। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।